यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड, आज मैं अभी बस नहा के आ गई हूँ, बच्चे गए स्कूल और मैं जा रही हूँ अभी किचन में। पूजा मेरी हो गई है और कई दिन बाद ब्लॉग्स आ रहा है। तो फ्रेंड क्या बताऊँ, हंसने वाली बात तो नहीं है क्योंकि कुछ लाइफ में ऐसा हो गया कुछ दिन से, क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और क्या बताऊँ, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। दादाजी एक्सपायर हो गए तो आपको पता है घर में कुछ हो जाए छोटा मोटा तो फिर लगता ही। और इसमें तो कहते हैं ना, चाहे बुज़ुर्ग थे, बहुत ओल्ड थे मेरे दादाजी, शायद 95 ईयर के हो गए थे, बट फिर भी थोड़ा दुख तो होता ही है ना, क्योंकि बहुत लाड़ से प्यार से हम लोगों को रखा है उन्होंने, तो बहुत मिस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कल उनका 13वीं है और कल मेरी बेटी का बर्थडे भी है। अब पता नहीं क्या होगा, उधर भी जाना है माई की 13वीं में और बेटी का बर्थडे भी है, तो देखते हैं कैसे क्या कर पाएंगे। जैसा भी होगा ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहना, देखने को मिलेगा। अभी तो मैं नहा के आ गई हूँ, अभी बाल भी मैंने ऐसे खोले नहीं है, तो बस अभी जा रही हूँ छत पे धूप सेकूँगी। पहले सोच रही हूँ कुछ खाना बना लूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं। आज क्लीनिंग वगैरह की थी मैंने, क्योंकि कई दिन से कुछ कर नहीं पाई थी, ऐसी डस्टिंग वगैरह हो रखी थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले दाल चावल बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। और मैं बाल खोल लेती हूँ ना तो फिर मेरे से कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं बालों को ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद ऊपर छत पे जाके धूप सुखाऊँगी बालों को, क्योंकि मैं ड्रायर से नहीं करती हूँ, वैसे भी डैमेज हो रखे बाद, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसीलिए मैं धूप से ही बालों को सुखाऊँगी। और हाँ फ्रेंड, बेटी जिद कर रही है, मम्मा कुछ दिला दो ड्रेस। और पिछले महीने शादी थी ना मेरी भांजी की, तो अभी इतने सारे कपड़े लिए थे हम लोगों ने, बट वही है ना, बर्थडे है तो उनको कुछ लेना है। तो अभी देखती हूँ, उनकी दादी ने पैसे दिए हैं कि जाओ कुछ कपड़े वपड़े हमारी तरफ से दिला के ले आओ बेटी को, तो फिर अब जाएंगे उनके लिए, देखते हैं कोई ड्रेस या कुछ भी नॉर्मल सा ले लेंगे, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि अभी लिया है तो वही रखे हैं। और मैं इधर सोफे पे बैठी हूँ, तो पहले हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। देखो इतनी सारी सब्ज़ियाँ ली थी, अभी सब्ज़ी वाले भैया आए थे, तो अभी मेरे को ये भी फ्रीज में लगानी है। और इधर मेरी दाल रख दी थी मैंने बनाने के लिए। तो फ्रेंड अभी हम दाल चावल बना लेते हैं पहले, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। और ये शैतान देखो, इनका बर्थडे, इनको जाना है मार्केट, मम्मा कपड़े दिला दो, पीछे पड़ी है। इनके पास इतने कपड़े हैं ना कि बता नहीं सकते, फिर भी इनको कपड़े चाहिए। चलो फिर खाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड दाल हमारी बन गई है, तड़का लगा दिया मैंने, मिक्स दाल है, और इधर चावल चढ़ा दिए हैं। और ये मेरे कुकर का हैंडल टूट गया है, ऊपर वाला जो ढक्कन का था, अभी डलवाऊंगी मैं इसे, टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिजी बहुत ज़्यादा हो रखी थी ना। तो बस अभी चलते हैं छत पे बाल सुखाने हैं, तो अभी चलते हैं छत पे बाल सुखाऊंगी और बस सीटी आ जाए एक दो कुकर में विशल, उसके बाद बच्चों को खाना देना, बच्चों को भी देखना छत पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शैतानियाँ करते रहते हैं, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और इतना झगड़ा करते हैं पूरा टाइम, मेरे को इन्हीं को देखते देखते निकल जाता है। चलो फ्रेंड चलते हैं फिर। और फ्रेंड हाँ, मुझे एक बात करनी थी आपसे, अगर आपको मेरे रेगुलर वीडियो देखने हैं, वीडियो देखने हैं कि रोज़ का रूटीन क्या है मेरा, क्या है तो मैं वही आपके लिए लेके आऊँ, तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ना डीमोटिव हो रही हूँ, कुछ ऐसा चल रहा है मेरे दिमाग में कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं किस लिए ये दिखाऊँ वो डालूँ मैं, तो बस वही है मेरे दिमाग में। अगर आपको लग रहा है कि हाँ डेली रूटीन वीडियो आप लेके आओ, तो फिर मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड अभी मैं अपने बालों को खोल लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया बाल मेरे से बंधे हुए हैं, और मैं कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ, मेरा अलग ही एक रूटीन रहता है बालों का, क्या करना है क्या नहीं। तो फ्रेंड अभी मेरे को बस धूप लेना है थोड़ा सा, और पता नहीं हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है, क्योंकि कुछ दिन से मैंने केयर करना छोड़ दिया स्किन का और बालों का, तो बस फिर से रूटीन में आना है, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी ना तो कुछ करने का मन ही नहीं होता था गाइस। तो बस चलते हैं अभी ऊपर छत पे, देखते हैं। अच्छा मैं टावल ले लूँ, क्योंकि मैं टावल भूल के जा रही हूँ इधर ही, मैं सबको डांटती हूँ कि आप टावल इधर ही छोड़ देते हो, और मैं ही छोड़ के जा रही हूँ। चलो अभी फिर चलते छत पे। देखो बहन भाई क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, देखो स्ट्रॉबेरी। हाँ और ये पता है
उसको फीवर आया है, वो अपने लिए लेके आया था, आज स्कूल नहीं गया, तो अपनी बहन के लिए बचा के रखा है। बोला मम्मा दीदी आएगी तो दीदी खा लेगी। और देखो और क्या, कैंडी भी है ना, कैंडी दिखाओ, देखो कैंडी भी संभाल के रखा है, एक दिन भी दूर नहीं रह पाया था। और पता है गाइस, वैसे दोनों में इतना झगड़ा होता है ना, और एक दिन भी रह नहीं पाते एक दूसरे के बगैर। और ये आपने अपने हाथ पे क्या करा है दिखाओ, इधर मार्कर से लाया था। मार्कर से क्या लिखा है ये देखो गाइस, ये शैतानी स्कूल से आई यहाँ अभी ये, और लग गए मार्केट, मार्केट नहीं बोलते से मार्कर बोलते हैं, मार्केट बोल रहे हैं नोटी को। फ्रेंड हमारे घर के सामने ना क्विल्ली बैठी है, बेचारी कुत्तों से छुप के बैठी ऊपर, कैसे जाएगी पता नहीं। पेड़ का पूरा मुंडन करा दिया है क्योंकि गाड़ी के ऊपर ना बहुत सारा कचरा हो जाता था। कोशिश कर रही है, देखते कैसे उतरेगी ये। और गाइस मैं छत पे आ गई हूँ, बस अपने बाल सुखा लूँ। छत पे तो नहीं है, सीढ़ियों पे ही हूँ अभी भी, क्योंकि छत पे जाने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा धूप लगेगी, फिर मेरे को नीचे आना पड़ेगा, इसीलिए छत पे नहीं हूँ अभी, बस सीढ़ियों पे ही। सुखा लेते हैं बालों को, चलो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, स्कूटी की चाबी ले ली है और ड्राइव करूँगी तो वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, तो शॉप पे जाकर मिलते हैं। बस एक ड्रेस दिलाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही है मम्मा, ड्रेस चाहिए मेरे को बर्थडे पे, और जबकि अभी दिलाए थे नेक्स्ट मंथ। हेलो, ये 225 रेट है, आने को 150 की जाएगी, 80-150 की बोले इसकी हवा की फुलबाजी स्टार्ट हो गई, फुलबाजी मिल गई थी आप लोग, और 50 बढ़ गई, 180 है कि आप भी लोगों भैया दिखा रहे हो क्या है? मैं दिख रही हूँ सामने, ये वाला नहीं चाहिए, डमी डमी डमी, ये ले ले क्या? यही वाला, ये नहीं अच्छा लग रहा। तो कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा। ये वाला पीस जो लगा उधर पीछे, बड़ा साइज है इसमें वैसे। और क्या दूं आपके लिए, क्या दूं वैक्स दे दूं वाला? नहीं मैं नहीं ले रही अभी, आओ मैं ब्लॉगिंग कर लूं पहले, मैं दुकान फेमस कर दूं आगे से ना। ले आओ मैं शूट वाला, शॉप पे पता नहीं क्या लेने आई है, क्या लेना है? कपड़े वाले भैया ने दिए थे चेंज, चॉकलेटी लवर। हाँ कल लेके चलेंगे, कल आ जाओ।